कांग्रेस पार्टी के सतवास के मंडला अध्यक्ष सत्यनारायण कालिका द्वारा संघ के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का अपने फेसबुक आईडी पर प्रयोग किया गया। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। संयोगितागंज पुलिस द्वारा 188 का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय इंदौर ने जमानत के लिए लाए आवेदन को आज ऊपर सत न्यायाधीश श्री जगेत सिंह साहब द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि एक संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत हुआ है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। यह कहकर उन्होंने अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें जमानत खारिज करने में 10 लोगों ने न्यायालय पर आपत्ति पेश की थी। ये देखिए, एक सत्यनारायण कलिया नाम से कांग्रेस के भाई जगवाड़ा सतवास देवास जिले के मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर के एक बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर करी थी, जिसको इन्होंने संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता को इन्होंने गाली दी गई थी इनके द्वारा फेसबुक पर खुलेआम रूप से, जिस पर हमारी शिकायत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्यप्रदेश ने इसकी शिकायत DIG हरिनारायण चारीसर को करी थी, जिस पर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। और इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए यहाँ इंदौर न्यायालय में आवेदन लगाया था, जिस पर हमारे द्वारा आज आपत्ति लगाई गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा की कानूनी समिति द्वारा आपत्ति लगाई गई, वीरेंद्र सिंह जी द्वारा आपत्ति लगाई गई और अधिवक्ता परिषद के कई हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से आपत्ति लगाई गई। कई लोगों ने क्योंकि देश के समाज के एक एक व्यक्ति की भावनाएं इसकी उक्त टिप्पणी से आहत हुई थी, तो न्यायालय ने प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर उक्त अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज किया है और देश के लिए एक अच्छा मिसाल ऐसे लोगों के लिए कायम की है।